14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में जैसा खौफनाक आतंकी हमला हुआ था, वैसा ही हमला फिर होने की आशंका है। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका को ये टेरर अलर्ट दिया है कि मारे गए आतंकी जाकिर मूसा के खात्मे का बदला लेने के लिए आतंकवादी दक्षिण कश्मीर को फिर निशाना बना सकते हैं। भारत में IED बंधी गाड़ी से ब्लास्ट कराए जाने का अंदेशा जताया गया है। पाकिस्तान की ओर से आए इस अलर्ट के बाद क्या मान लें कि पाकिस्तान भी आतंकवाद को लेकर गंभीर हो गया है? क्या पाकिस्तान ने वाकई सुधरने के संकेत दिए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों पर कार्रवाई किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है, और तो और भारत में आतंकी घटनाओं से लेकर सीज फायर वायलेशन तक में पाकिस्तान की ओर से कोई सुधार नहीं दिखा है। तो फिर पाकिस्तान के इस टेरर अलर्ट के मायने क्या है? क्यों ना माने कि पाकिस्तान फिर बालाकोट जैसी कार्रवाई से बचने के लिए दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान ने SCO समिट से ठीक पहले ये टेरर अलर्ट साझा किया। पाकिस्तान की ओर से आई ये जानकारी पुख्ता नहीं है, बल्कि साधारण खुफिया जानकारी है। कश्मीर घाटी में आज एक अलर्ट जारी किया गया है, और सूत्रों की माने तो एक इनपुट मिला है जिसके हिसाब से कार हमले की चेतावनी दी गई है। सूत्रों की माने तो ये इनपुट पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स को इशू किया गया था। बताया जा रहा है कि जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद कुछ जो ग्रुप्स हैं वो इस तरीके का हमला कर सकते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान ने सतर्क रहने के लिए हिंदुस्तान को कहा है। पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई से भी खुश नहीं। इसी महीने FATF ने कहा है कि 27 में से 25 बिंदुओं पर आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का एक्शन नाकाम रहा। FATF का ये रुख बता रहा है कि पाकिस्तान अक्टूबर में FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, जिसके मायने होंगे कंगाली में आटा गीला होना। SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान के PM इमरान खान से दुआ सलाम के अलावा और कोई बात नहीं की। उल्टा सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा SCO के घोषणा पत्र में शामिल हुआ। SCO बैठक के दौरान PM मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी कहा कि पाकिस्तान को आतंक मुक्त माहौल बनाना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो क्या माना जाए कि भारत को टेरर अलर्ट आतंक पर इमरान का झांसा है? तो क्या माने कि भारत को टेरर अलर्ट आतंक पर इमरान का झांसा है?